अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसी न्यूज़ जिसको सुनकर आप बहुत हैरान होंगे। न्यूज़ कुछ इस तरह है कि जापान के अंदर 22 साल पुरानी कॉफ़ी के कप की कीमत 914 डॉलर है। हाँ, ये कोई जोक नहीं है, ये हकीकत है। वह कुछ ऐसे कि जापान में कॉफ़ी की छोटी सी दुकान है जिसका नाम दी म्यूनच है। ये दुनिया में वाहिद जगह है जहाँ आप 22 साल पहले बनाई गई कॉफ़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक कप की कीमत याद रहे 914 डॉलर है, यानी 1,45,000 पाकिस्तानी रुपए। इस कॉफ़ी की कहानी भी बहुत पुरानी है, जो कई अशरों पहले शुरू हुई, और वो भी एक गलती से। इस दुकान के वाहिद मालिक और मुलाजिम का निजी ताना का एक रोज़ कॉफ़ी फ्रिज में रखकर भूल गए, और 6 माह बाद इन्हें कॉफ़ी की याद आई। अब उन्होंने कॉफ़ी निकाली और फेंकने से कबल खुद चखी, तो वो ना सिर्फ अपने पुराने जायके पर थी, बल्कि इसमें एक और जायका शामिल हो चुका था, जो कि एक नायाब जायका था, जिसकी वजह से इस कॉफ़ी की वैल्यू इस कदर बढ़ गई कि लोगों ने इसकी डिमांड की, और इस कॉफ़ी की कीमत 914 डॉलर फी कप मुतय्यन की गई, जो कि अभी भी इनकी दुकान दी म्यूंज में बिकती है, और लोग बहुत पसंदीदा अंदाज से इसको पसंद करते हैं, इसको पीते हैं, और इसको और दूसरों को भी दावत देते हैं कि आओ और ये नायाब कॉफ़ी पी कर देखो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों से कहा जाए कि 914 डॉलर खर्च करें एक कॉफ़ी के कप पर, क्या आप लोग करेंगे? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मैं इसी तरह की और बहुत सी अच्छी अच्छी न्यूज़ और दिलचस्प न्यूज़ आपके लिए लाता रहूँगा। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह